केदारनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। 3,221.63 करोड़ का हम लोग ने कैश क्रेडिट इन 23 मिलों के लिए, 3,221.63 करोड़ का कैश क्रेडिट इन 23 मिलों के लिए इन बैंकों के माध्यम से, जो सहकारी बैंक है और जिला सहकारी बैंक है उनके माध्यम से उपलब्ध कराया था, कैबिनेट अप्रूव किया था। मगर इसको जब देते हैं तो आपको एक गारंटी शुल्क भी लगता है, फीस भी लगती है, तो वो जो फीस लगी थी वो 8.05 करोड़ की थी, उसको माफ करने के लिए आज कैबिनेट में इसको प्रस्ताव लेकर आए थे कि जो 8.05 है उसको माफ किया जाए, तो उसके लिए ये आज कैबिनेट में आया था। इसी प्रकार से जो राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम, जो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड के जो मिल्स है उसमें पिपराइज और मुंडेरवा, ये दोनों चीनी मिलों को 100-100 करोड़ की जो एक कैश क्रेडिट दिया जा रहा है, दोनों ही को, दो मिल्स हैं, दोनों को 100-100 करोड़ दिया जा रहा है, उसके पिपराइज और मुंडेरवा, तो इन दोनों को जो 100-100 करोड़ ऋण दिया जाने का जो सहमति है उसके जो कैश क्रेडिट की, उसके लिए शासकीय गारंटी जो देनी है उसके अनुमोदन के लिए आया, और साथ ही साथ इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9.10% होगा। ये 100-100 करोड़ के लिए आया है, 100 करोड़ पिपराइच वाले में और मुंडेरवा वाले में 100 करोड़, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो शासकीय गारंटी दी जाएगी उसका इंटरेस्ट रेट है 9.10%। अगला जो बिंदु है वो आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने अनेक जिला अस्पतालों को अपग्रेड करते हुए उसको मेडिकल कॉलेजेस बनाया है। उनमें से 5 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर एडमिशन्स भी शुरू हो गए हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं जो 5 चलने लगे, जहां एडमिशन शुरू हो गए पढ़ाई के, वो हैं अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर। वर्तमान सत्र में 100-100 छात्र को MBBS की पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन इसके अंदर जो आचार्य और सह आचार्य जो बने हैं उनकी एक कठिनाई है, उनकी कठिनाई ये है कि इनको डेपुटेशन पे ना दिखाते हुए, जो नियमावली है उसमें इन लोग डेपुटेशन पे नहीं है, तो उसमें जो बायलॉज हैं उसको संशोधित किया जा रहा है, और संशोधित करने के साथ साथ इन लोगों को डेपुटेशन पे रखा जाएगा, और जब डेपुटेशन पे होते हैं तो उसका एक लाभ होता है कि जब रिटायर्ड होंगे तो उनको अन्य लाभ जो होते हैं रिटायरमेंट के, जिस प्रकार से पेंशन होता है, फिर GPF होता है, ये सब इन लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। अगला जो बिंदु है वो जनपद आगरा के आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में नवीन थाना स्थापना हेतु सिंचाई विभाग की भूमि गृह विभाग को निशुल्क हस्तांतरित कराए जाने के संबंध में है। ये जो विषय है इसके अंदर आवश्यकता थी, क्योंकि आगरा आप लोग सब लोग जानते हैं वो टूरिज्म का एक स्थल भी है, और वहां पे जो यमुना किनारे एक जो थाना है वहां पे पुलिस चौकी थी, उस पुलिस चौकी को
उच्चीकृत किया जा रहा है और उच्चीकृत करते उसको नवीन थाना कमला नगर कहा जाएगा। और इसके लिए जो जमीन है वो सिंचाई विभाग से ली जा रही है निःशुल्क, और जमीन है 1590 वर्ग मीटर जमीन है जो निःशुल्क दी जा रही है। अगला बिंदु जो ये महत्वपूर्ण भी है, साइबर क्राइम को देखते हुए, साइबर क्राइम आजकल जो आधुनिक क्राइम हो गए हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, बैंक्स में फ्रॉड्स हो जाता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है, अन्य इस प्रकार से मोबाइल के माध्यम से होता है, तो अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर दो ही ऐसे साइबर क्राइम के थाने थे, एक ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर और दूसरा लखनऊ में। अब वहां पे दोनों में पुलिस कमिश्नरी लागू कर दी गई है। अब बाकी जो 16 बचे हुए मंडल हैं, कमिश्नरीज हैं हमारे, उसके अंदर एक एक साइबर क्राइम का थाना खोला जा रहा है। और इस सब की इसके ऊपर जो व्यय होएगा वो 111 करोड़ का होएगा। बाकी जो मंडल है दो को छोड़ दिया मैंने, गौतम बुद्ध नगर छोड़ दिया, 18 है कमिश्नरी। मैं नाम पढ़ देता हूं मगर आपकी जानकारी के लिए कि 18 है ना कमिश्नरी, इसमें से गौतम बुद्ध नगर हटा दीजिए और लखनऊ हटा दीजिए, बाकी बच गए। हाँ मंडल मुख्यालय कोई कमिश्नरी, इसलिए बोला जल्द से जल्द खोलना शुरू कर रहे हैं। अगला बिंदु, जनपद बरेली स्थित पुरानी जिला कारागार को पुनः जिला कारागार के रूप में चालू रखने व नवीन जिला कारागार बरेली द्वितीय के रूप में तथा उक्त में स्थित महिला कारागार को बरेली के आसपास के जनपदों की लंबी, ये टॉपिक है मगर इसको मैं बात बता देता हूं कि उसके बरेली के अंदर एक पुराना कारागार है और एक नया बनाया गया है, और इस समय जो आपका मैनुअल है, जेल मैनुअल है, वो ये कहता है कि 7 आपके जो एक्यूज्ड होते हैं उनको आप जिला कारागार में रखेंगे, और जो या 7 साल के नीचे जिनकी सजा होती है उनको आप उसमें रखेंगे, और जो आपके सिद्ध दोष हो गया है, जो कन्विक्टेड है, उन लोगों को आप केंद्र कारागार या 7 साल के ऊपर का जो कन्विक्शन है उनको आप केंद्र सेंट्रल जेल्स में रखेंगे। ये पूरा मैनुअल है, और इसको देखते हुए जो बरेली का जो पुराना वाला है उसको रिपेयर किया जा रहा है, उसको मेंटेन करते हुए जिला जेल बनाया जाएगा, और वो 7 साल के नीचे जो होंगे वो उसमें रखे जाएंगे कैदी, और जो नया जो बना है उसको केंद्रीय कारागार किया जाएगा। मगर इसके अंदर क्योंकि व्यवस्था है उसमें एक ब्लॉक जो है वो महिलाएं जो 7 साल के ऊपर कन्विक्टेड है उनके लिए भी व्यवस्था वहां पे की जा रही है। और आपको जस्ट एक आंकड़ा देने के लिए, 1 लाख से अधिक बंदियों में से जो पुरुष हैं जो सिद्ध दोष है वो है 25,938, और इसके अंदर जो महिलाओं का की जो संख्या, तो आजादी के बाद उम्मीदें जगी थी हमारे पूर्वजों को कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश बटा है, प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, काशी मथुरा और अयोध्या बनेगा, लेकिन इन मक्कारों ने हमें कोर्ट में लटका दिया, अटका दिया, और कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम के भक्त के रूप में
तारीख भी बता दिया, भव्य मंदिर भी बनेगा और वसुधैव कुटुंबकम भी स्थापित होगा और राम राज्य की स्थापना की शुरुआत भी होगी। देखिए, आज मैंने 2-3 दिन पहले मीडिया में देखा, जो लोग नवाज पढ़ रहे थे केजरीवाल, वो आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जो ओबेसी कभी सदन में राष्ट्रीय गीत के साथ गान के साथ खड़े नहीं हुए, वो भारत माता की जय और राष्ट्रीय गीत में खड़े हो करके हो रहे हैं। जो शाहीन बाग में भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, जो भारत माता के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, वो भी भारत का झंडा लिए हुए हैं। उनमें हिम्मत नहीं है पाकिस्तानी झंडे लेकर के खड़ा होने का। तो कैबिनेट बैठक में मस्जिद के लिए जमीन पर लगी मुहर, तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन जो है वो दी जाएगी। तो राम मंदिर के निर्माण पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। तो अब साफ तौर पर तमाम सवालों पर विराम लगाते हुए ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से।